समस्त शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान स्वीकार किया गया, परंतु गुरु कदापि ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। शिष्यों का कर्तव्य है गुरु का ठीक उसी प्रकार सम्मान करना जैसे भगवान का किया जाता है, परंतु गुरु कभी यह नहीं सोचते कि मेरे शिष्यगण मुझे उसी प्रकार सम्मान दे जैसे भगवान को दिया जाता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शकाल गया चक्षु रून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात मैं महान अंधकार रूपी अज्ञानता में उत्पन्न हुआ था, पर मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान की अंजन रूपी शलाका से मेरे नेत्र खोल दिए, मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। अज्ञान शब्द का अर्थ है मूर्खता और अंधकार। यदि किसी कमरे में प्रकाश तत्काल लुप्त हो जाए तो यह नहीं कह सकेंगे कि हम अब इस संसार के भीतर अंधकार में हैं, हम वास्तव में अंधकारमय हो चुके होंगे। जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार जीवन रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु का कार्य है शिष्यों को अंधेरे से प्रकाश में लाना। वर्तमान समय में अज्ञानता के कारण प्रत्येक व्यक्ति कष्ट पा रहा है, जैसे किसी को अज्ञानतावश कोई रोग हो गया है, कोई मोह में डूबा हुआ है। इस प्रकार इस अंधेरे से प्रकाश में लाने के लिए हमें किसी न किसी आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है और हमें उसे सुनना चाहिए, सुनना पसंद करना चाहिए। इसी भांति में आपके सामने कुछ अच्छी चीजें, अच्छा ज्ञान लेकर आया हूँ, आप ध्यान से सुनिए। धन्यवाद। समस्त शास्त्रों में गुरु को नमस्कार। मैं पंडित रामकिशोर शर्मा, विद्यानगर भोपाल से। आप सभी स्नेही जनों को कुछ अध्यात्म सामाजिक समस्याओं का समाधान हेतु वर्तमान में जो समस्या चल रही है, कुछ दानवी और आसुरी राक्षसी प्रवृत्ति के संबंध में और मनुष्यों के लिए जो बहुत नुकसानदायक समय इस महामारी कोरोना ने कर रखा है, उसके लिए आप अपने आप को घर में रहते हुए ही सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। अपने को, अपने परिवार को, अपने मोहल्ले, अपने देश प्रदेश को, सभी को आप अपने हिसाब से घर में रहकर सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने शारीरिक मानसिक शक्ति का जो अपने मनोबल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ शास्त्रों और पुराणों वेदों के प्रामाणिक कुछ तथ्यों को लेकर मैं आपके सामने कुछ कुछ समय बाद उपस्थित रहूंगा। उनमें से आज प्रथम दिन आप सब लोगों के लिए अपने इस अनुभव को शेयर साझा करना चाहता हूँ। जो मुझे अनुभव हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, किसी के बनावटी अपन एक घर परिवार के सदस्य जैसे रहकर ही बात कर रहे हैं। कोई ये प्रोफेशनल नहीं है, व्यवसायिक नहीं है। इसके लिए आप स्वयं अपने घर पर रहकर अपने अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देकर उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। तो उन्हीं में से एक विषय है, अच्छा उसके लिए अपने को कोई मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यदि सही मार्गदर्शक मिलता है
तो बहुत ही उत्तम रहता है। मार्गदर्शक का मतलब होता है जो अपने को शिक्षा दे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मतलब कि आप अपनी जिस समस्याओं से भी जूझ रहे हैं उससे निजात दिलाने के लिए जो अपने को मार्गदर्शन करे वह मार्गदर्शक कहलाता है, और उसको आध्यात्म के रूप में गुरु बोलते हैं। गुरु के संबंध में बहुत भ्रांतियां हैं आज के समय में, बहुत भ्रामक प्रचार भी करते हैं कुछ नकली प्रकार के व्यक्ति, जिनको अपने को दोष तो नहीं देना चाहिए। उनको भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सर्वप्रथम उनको ही प्रणाम किया है, तो मैं भी उन लोगों को प्रणाम करता हूँ, उनसे भी शिक्षा मिलती है। लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से उस चीज को अपने को ग्रहण और धारण करना चाहिए। तो गुरु एक ऐसा शब्द है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, गुरु गुणों का एक समुच्चय है जो हर व्यक्ति में अपने आप अंदर रहता है। उसी को जागृत करना ही आध्यात्म जागरण कहलाता है, अपने शारीरिक और मानसिक शक्ति का निर्माण वही अपना आंतरिक गुरु करता है। पर उसके लिए भी एक बाह्य और भौतिक गुरु की आवश्यकता रहती है जो हमें उस गुरु तक पहुंचाने में सामर्थ्य रखता हो, उसे हम आधुनिक समय में गुरु कह सकते हैं। त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार लिया, उन्हें भी गुरु की आवश्यकता हुई। द्वापर युग में भी भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया, उसमें भी उनको गुरु की आवश्यकता ही रही। गुरु के ही मार्गदर्शन में उन्होंने ये अपने धर्म की स्थापना भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में की। इसी प्रकार आज जो युग कलयुग चल रहा है वह सभी युगों में बहुत श्रेष्ठ और अच्छा कहलाता है, क्योंकि इसमें ना लंबी चौड़ी साधनाएं करने की जरूरत रहती है ना ही योग की। कलयुग में सिर्फ भगवान के स्मरण भजन से ही सब कुछ प्राप्त और समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। इसलिए कलयुग को सभी युगों में बहुत उत्तम और अच्छा माना गया है। इसी संबंध में मैं आगे आने वाले समय में आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा, इसके लिए आज यहाँ पर समापन करते हैं। बोलिए गुरु महाराज की जय। नमस्कार।